सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने 18 जून को मुंबई में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य के संग शादी की थी। ये शादी दिन में हुई थी और शाम में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। शादी रिसेप्शन और प्री वेडिंग फंक्शन से देओल परिवार की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। लेकिन लोगों की नजर सनी देओल की पत्नी पूजा पर रुक गई है और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल शादी की किसी भी तस्वीर या वीडियो में पूजा देओल हंसती हुई नजर नहीं आ रही थी। इस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। साथ ही कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि पूजा डिप्रेशन की मरीज तो नहीं। हालांकि करण देओल ने कुछ फोटोज शेयर कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। करण देओल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी माँ की एक हंसती हुई तस्वीर शेयर की। दरअसल ये तस्वीर दिशा की मम्मी शीमू आचार्य ने शेयर की है। इस तस्वीर में पूजा देओल और दिशा साथ में बैठकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं। दरअसल पूजा देओल की तस्वीर देखकर लोग कहने लगे थे कि वो काफी उदास हैं, वो अपनी निजी जिंदगी में खुश नहीं है क्योंकि सनी संग उनके रिश्ते ठीक नहीं है। कुछ लोग सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के अफेयर को पूजा की उदासी का कारण बता रहे थे। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पूजा अपनी बेटी की शादी से खुश नहीं है। इसके साथ ही यूजर्स ने कमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है, लगता है इनकी मम्मी की मर्जी नहीं थी शादी करवाने की। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, पूजा मैम को ये रिश्ता पसंद नहीं आया क्या। इसी तरह यूजर्स लगातार पूजा देओल की इन फोटोज पर कमेंट कर रहे थे। अगर आप नहीं जानते हैं कि सनी देओल की वाइफ पूजा देओल कौन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा देओल का असली नाम लिंडा है। सनी से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम पूजा कर लिया था। पूजा का जन्म 21 सितंबर 1957 को लंदन में हुआ था। पूजा के पिता का नाम कृष्ण देव महल था, जो भारतीय थे। उनकी मम्मी का नाम जून सारा महल था, जो ब्रिटिश थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा की मम्मी जून सारा ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही सनी और पूजा बचपन के दोस्त थे। सनी ने कई सालों तक पूजा संग अपनी शादी को लेकर सीक्रेट रखा था। करण देओल की इन फोटोज पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।